हेलो लर्नर्स, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज लर्नर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से लेसन 1 ऑन इक्वेलिटी। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बात की थी इक्वेलिटी, समानता के बारे में, और साथ ही देखा था कि किस तरह इंडिया में, विच इज अ डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इक्वेलिटी के क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने डिस्कस किया था कि, और साथ ही हमने ये सब कुछ जो है कांता की स्टोरी के थ्रू ही पढ़ा था कि समानता जो है वो किस फॉर्म में हमारे यहाँ पर जो है एग्जिस्ट करती है इन इंडियन सोसाइटी। बात क्या करें अगर इक्वल राइट टू वोट की, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है इक्वेलिटी अमंग द सिटीजन, तो वहीं इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, असमानता भी देखने को मिलती है। जैसे कांता की बात करें तो कांता का वेल्थ स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस इनइक्वालिटी को शो करता है, और वहीं कुछ अलग बेसिस पॉइंट भी हैं जिनकी वजह से इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। उनमें से एक बहुत ही कॉमन है, वो है कास्ट सिस्टम, और जाति प्रथा जो है या कास्ट सिस्टम जो है वो इंडियन सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंट है और हर किसी कैटेगरी में। और इस तरह से हमने देखा, और ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी हमने पढ़ी थी, जो कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी झूठन में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है, और ये दलित हैं, दलित राइटर हैं, और इन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने अपने अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली क्लासेस में किस तरह से स्कूल मास्टर के थ्रू मिसबिहेविंग का उन्हें के वजह से इल ट्रीटमेंट किया गया, सफर करना पड़ा, इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं दी गई लाइक अदर क्लासमेट्स। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी जो कि इनइक्वालिटी को शो करती हैं, और वहीं इनइक्वालिटी के कुछ अदर बेसिस पॉइंट भी हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और वो कौन से अदर बेसिस हैं, वो है रिलीजन। इन स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी में यह देखा गया है कि बड़े बड़े शहरों में भी, लार्जेस्ट सिटीज जो है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट इज वेरी मच प्रेवलेंट। और ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की, जिन्होंने रिलीजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ा। तो वो उनकी स्टोरी को जान लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जो हैं, वो एक अच्छे से शहर में अपने लिए अपार्टमेंट देख रहे थे रेंट पर, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की हुई थी। मनी का कोई इश्यू नहीं था, उनके पास पैसे थे इसके लिए, और साथ ही ये क्या करते हैं, डीलर की मदद से अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं। जब वो फर्स्ट अपार्टमेंट में जाते हैं, अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच, अंसारी को वो पसंद आ जाता है फ्लैट, और डिसाइडेड टू टेक इट, वो से वहां पर रेंट लेने से लेने की सोच लेते हैं। बट वैन द लैंड लेडी, वहां पर जो लैंड लेडी है उनकी मकान मालकिन, जब उसे पता चलता है कि वो लोग मुस्लिम्स हैं, उनके नाम्स के थ्रू, उनके नेम की वजह से, तो वो क्या करती हैं, वो एक्सक्यूज दे देती हैं, वो बहाना लगाती हैं कि वो किसी भी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स को नहीं परमिट नहीं करेंगी, रेंट पर नहीं देंगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी गए, लेकिन वहां भी सेम ही कंडीशन थी, और किसी ने भी उनको सेम एक्सक्यूज ही दिया गया, और किसी ने भी उनको नहीं दिया रेंट पर, नहीं अपना परमिट नहीं किया, रेंट पर फ्लैट नहीं दिया। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेस्ट किया कि वो क्या करें, अपने नाम बदल दें और मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताया करें सभी को। लेकिन ऐसा करने से अंसारी इस कपल ने क्या कर दिया, रिलक्टेंट, देवर रिलक्टेंट, मना कर दिया, डिनाइड कर दिया कि वे ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह से उन्हें लगभग पूरा एक मंथ का समय, होल मंथ दे इट टुक टू जस्ट अरेंज फॉर अ फ्लैट फॉर द रेंट। तो यहां पर इस तरह से उन्हें लगभग काफी जो है बहुत ज्यादा समय लग गया उन लोगों को एक रेंट पर कमरा या फ्लैट ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजन्स जो है वो उनकी वजह से, यानी कि इंडियन सोसाइटी में जो है इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम एंड रिलीजन। इससे होता क्या है, इससे वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा जो वो है एग्जिस्ट करती है, और इल ट्रीटमेंट किया जाता है लोगों से, जिससे उनका जो है डिग्निटी हर्ट होती है। बात करें अगर डिग्निटी, तो डिग्निटी क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट है।
इन इंडिया द कास्ट वी आर बॉर्न इन टू, ये तो हम समझ ही गए हैं, जिस कास्ट में हम बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, और जिस कास्ट को, जिस रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं, या किसी भी बैकग्राउंड से हैं हम, तो क्या होता है, या फिर हम मेल हैं या फीमेल हैं। हमने ये चीज तो देखी ही है कि इन आधारों पर क्या होता है, कई मामलों में अनइक्वली ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अंसारी जी के साथ किया गया था, उनके ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। डिग्निटी जो है वो वायलेट होती है, हर्ट होती है व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली। लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देखें तो उन्हें किस तरह स्कूल को साफ करना पड़ा और बाकी बच्चों की तरह उनको पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, और इससे क्या हुआ, उसके बाद जो है अंसारी हैं उनको किस तरह से हर जगह से मना कर दिया गया, किसी ने भी उनको रेंट पर रहने के लिए घर नहीं दे रहे थे उनके रिलीजन की वजह से। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करती हैं। तो यहां पर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरीवन शुड हैव द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। ये देखने को मिला 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, जिसमें एक सीन के थ्रू ये दिखाया गया था कि डिग्निटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और इस तरह से दिखाया गया था, ये जो बॉय है वो क्या करता है, एक अच्छे बिजनेसमैन के शू शाइन करता है, और जिसके लिए उसे जो मनी मिलती है वो उसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसको उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं महसूस होती उसे लेने में, और क्योंकि उसे देने का तरीका गलत था। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कि किस तरह से इक्वालिटी इम्पोर्टेंट है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, भारतीय प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और इक्वालिटी के क्या मायने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सेट ऑफ रूल है, वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि एवरी पर्सन जो है हमारे यहाँ, एवरी सिटीजन एज इक्वल, कि हर व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान है, संविधान की नजर में सभी समान हैं। और दिस मीन्स एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति जो है भारत का या इस देश का, वो क्या है, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल है, पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब्स एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, सभी को समान मानता है, यानी कानून की नजर में, संविधान की नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। तो इनइक्वालिटी के कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि इसे इंश्योर करने के लिए इससे पहले कोई लॉ नहीं था, तो ये बहुत ज्यादा हम कह नहीं सकते थे कि भारतीय समाज में समानता सभी को मिली हुई है। लेकिन अब क्या है कि अब यहां पर इस रिकॉग्निशन को, इक्वालिटी की रिकॉग्निशन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है और लॉ बना दिए गए हैं, इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस बना दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट देखें तो फर्स्ट है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। What this means, इसका मतलब है every person from the president of the country to कांता, यानी कि भारत का चाहे राष्ट्रपति हो या ही कांता जैसे कोई domestic worker ही क्यों ना हो, क्या है, सभी को सभी पर सेम लॉ अप्लाई होंगे और सभी को सेम लॉ ऑबे करने होंगे, मानने होंगे, कानून सबके लिए बराबर है। और वहीं सेकेंड की देखें, सेकेंड क्या है प्रोविजन, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल, यानी जेंडर बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर, उनके जन्म के बेसिस पर। तो ये सब बेसिस पर हम क्या नहीं कर सकते, किसी के संग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करता है प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन बताता है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट्स, ऑल। प्रत्येक व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस का, जिन पर गवर्नमेंट का राइट होता है, गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं, प्लेग्राउंड है, होटल है, शॉप मार्केट है, बस स्टॉप, ये सारी चीजें, अमेनिटीज जो हैं, पब्लिक अमेनिटीज, उनको यूज करने का प्रॉपर या इक्वल राइट मिला हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है उनके पास इनको यूज करने के लिए। ऑल पर्सन कैन पब्लिकली अवेलेबल ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, तो ये सारी चीजें वो यूज कर सकते हैं। फोर्थ प्रोविजन दिया हुआ है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिस्ट, अनटच, एक एक्ट भी आ चुका है इसको लेकर, छुआछूत जो था एक बहुत ही प्रेवलेंट था पहले अर्लियर इंडियन सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम का ही एक फॉर्म है ये,
तो इसे अब क्या कर दिया जा चुका है, अबोलिश यानी कि खत्म किया जा चुका है। तो यानी कि इस तरह की अगर ट्रीटमेंट की जा रही है तो वो भी जो है प्रोविजंस का क्या होगा, वॉयलेट माना जाएगा। बात करें अगर टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वेलिटी, कौन से वो दो तरीके हैं जिसके थ्रू क्या कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन इक्वेलिटी को इम्प्लीमेंट कर रही है सोसाइटी में, दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट। फर्स्ट है थ्रू लॉज, कानून लाकर, कई तरह के कानून लाई है इक्वेलिटी को इंश्योर करने के लिए। एंड सेकेंडली उसने क्या किया है, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कई तरह के प्रोग्राम्स चलाए टू मेक द टू अवेयर द पीपल और सो दैट दे कैन हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली इन एडिशन टू लॉज। और लॉज के साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे सेट अप सेवरल स्कीम, कई तरह की प्रोग्राम्स और स्कीम्स भी बनाई है, उनमें से एक है मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम के बारे में जान लेते हैं। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। यहां पर क्या है, एक टाइम का यानी दोपहर का भोजन जो है सभी को दिया जाता है किन जगहों पर, एलिमेंट्री स्कूल्स में, जो कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय है वहां पर सभी बच्चों को एक नरिश फूड दिया जाता है। और ये से स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु में, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वो था तमिलनाडु टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड, ने पूछा टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद 6 मंथ। तो इस तरह से धीरे धीरे करके भारत के सभी राज्यों में जो है इस तरह मिड डे मील स्कीम को बढ़ावा दिया गया, जहां पर सभी को जो है सारे बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल्स में एक टाइम का भोजन उपलब्ध कराया गया, अवेलेबल कराया गया। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं इसमें और इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए। कैसे, जो पुअर चिल्ड्रन है उनको अपने जो है वेल्थ स्टेटस की वजह से बहुत ज्यादा जो है अच्छा खाना नहीं मिल पाता था और वो स्कूल भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड दे नॉट रिटर्न इन स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बींग प्रोवाइडेड इन द स्कूल देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड। तो यहां पर उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई है और साथ ही क्या होने लगा, नो लॉन्गर नीड टू डू सो। दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टूगेदर। तो इस तरह से एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि जो लोगों के बीच इनइक्वालिटी थी वो भी खत्म होती दिख रही थी। इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। तो ये सारे कुछ दिया हुआ है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं इन द बुक। आगे हम बढ़ेंगे तो यहां हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए थे उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने, काफी कारगर रहे ये गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्पेशली। व्हाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन, ये तो देखा ही गया कि स्कूल्स में बच्चों की जो संख्या है और उपस्थित जो प्रेजेंट है वो बढ़ने लगी, अटेंडेंस बढ़ने लगी। देयर कंटिन्यूस टू बी द बिग डिफरेंसेज इन अ कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट आर द पुअर अटेंड। Even today there are several schools in a country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki हैं, जैसे दलित बच्चे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यानी कि मिड डे मील के थ्रू एक अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले, तो वहीं कुछ अदर फॉर्म्स में देखें तो इनइक्वालिटी अभी भी है, बच्चों दलित बच्चों के साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, दलित लोगों के साथ अभी भी उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है। वन ऑफ द मेन रीजन, उसका एक बड़ा कारण ये है टू दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, कि जो ये सारी बैड ट्रेडिशंस हैं ये बहुत लंबे समय से चल रही हैं और इनको खत्म होने के लिए टाइम लगेगा। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन लोगों को पता है कि ये सब कुछ क्या है, कानून के खिलाफ है, अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी अभी तक अनइक्वली जो है ट्रीटमेंट लोगों के साथ किया जा रहा है कास्ट और रिलीजन और डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग और ऑन द अकाउंट ऑफ द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस और बिकॉज दे आर वुमेन।
तो जेंडर भी इसका एक कारण हो सकता है. इट इज द ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव. तो लोगों को ही क्या करना होगा, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा और लोगों को इन्फेरियर नहीं समझना होगा ऑन द बेसिस ऑफ अब मेंशन पॉइंट्स, और उनके संग डिग्निटी के साथ पेश आना होगा ताकि जो है धीरे धीरे करके समाज में बदलाव आए और इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. तो इसके लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल भी किया है कई लोगों ने और बहुत सारी कम्युनिटीज भी बनाई गई थी. आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को. तो यहां पर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, इन्होंने किन इश्यूज को रखा सामने डेमोक्रेसी में, इंडिया जैसी बिगेस्ट डेमोक्रेसी में किस तरह से, क्योंकि आप जानते ही हैं भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं. किस तरह से उन्होंने इक्वालिटी के मुद्दे को रखा देखेंगे. यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इन इक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूस टू द एग्जिस्ट. आज भी हम इक्वालिटी के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं. द ट्रूथ इज दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूस टू द की इश्यू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल. सो फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर यानी कि विदेशों में भी, फॉरेन में भी, जैसे बात करें यूएसए की, तो वहां की एक स्टोरी के इंसिडेंट के थ्रू या स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया है लोगों ने. तो यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने आवाज उठाई सबसे पहले अपने अधिकारों के लिए, इक्वालिटी के लिए. हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर द ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका. इनके एंसेस्टर जो थे वो पहले अफ्रीका से लाए गए थे और वो एज अ स्लेव यानी कि गुलाम जो थे. कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टूडे एज अ लार्जली अनइक्वल. और अभी भी उन लोगों को वैसे ही नजर से देखा जा रहा है और उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर नहीं की गई हैं. लेट 1950s में उन्होंने अपनी इक्वल राइट्स के लिए डिमांड की और इस तरह से क्या देखा, प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ. फॉर एग्जाम्पल वेन ट्रेवलिंग बाय बस, और इसके एक और एग्जाम्पल सेट किया है, ट्रेवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम दिस देयर सीट व्हेन अ वाइट पर्सन विश टू सिट. तो इस तरह से एक लेडी थी, उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहां दिखाया गया होगा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें अपनी सीट से हटना पड़ा. और रोजा पार्क्स की ये एक्सपीरियंस एग्जाम्पल है. रोजा पार्क्स वॉज अ एफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी, वुमेन है, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट. तो यहां पर ये जो है बहुत ज्यादा थक गई थी और बस में इन्होंने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था फॉर अ व्हाइट मैन. तो क्या हुआ, 1 दिसंबर 1955 का ये इंसिडेंट है. हर रिफ्यूजल, उनके इस रिफ्यूजल से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी एग्रीटेशन यानी कि एक क्रांति शुरू हुई वहां के लोगों ने. फिर इक्वालिटी के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया और कंटिन्यूस एफर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका क्या रिजल्ट आया, ये मूवमेंट कहलाया सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से. और इसके बाद सिविल राइट्स एक्ट बना 1964 में और विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन एंड द यूएसए. तो इस तरह से अदर कंट्रीज में भी इक्वालिटी के लिए कई समय समय पर मूवमेंट्स स्ट्रगल किया गया है और लोगों ने आवाज उठाई है, ये सब कुछ दिखाया गया है इसमें. और वहीं हम बात करें कि डेमोक्रेसी के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं भारत जैसे बड़े देश के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको इंश्योर करना, सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करना प्रॉपरली कितना मुश्किल है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो देखेंगे. नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक. कोई भी कंट्री तब तक फुली डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी. देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज, क्यों नहीं कहला पाएगी, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो लोगों के अकॉर्डिंग, उनके पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग है. एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्नाइशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज. तो नए मुद्दे जैसे ही सामने आते हैं वैसे ही डेमोक्रेसी के मायने भी बदल जाते हैं. सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट दैट हाउ दिस इश्यू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आर डेली लाइफ. तो किस तरह से इक्वालिटी के जो वेरियस एस्पेक्ट हैं अलग अलग पहलुओं पर हमारी डेली लाइफ में इसने जो है अफेक्ट डाला है,
और इस चैप्टर के थ्रू हमने ये कुछ पढ़ा है कि किस तरह से लोगों की जो अपनी पर्सनल लाइफ है, जो डिग्निटी है, उसके लिए इक्वालिटी को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।